होम फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, लाके बबरकत नाम से। तो आज मैं बनाने लगी हूँ एलोवेरा हेयर मास्क। तो आप लोगों ने इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करना। और वेदर जो है बहुत अच्छा हुआ हुआ है, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। और ये जो है ना, ये आंटी ने रखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि इन लोगों के यहाँ पे शोरूम है तो गाड़ियों के लिए चाहिए होता है। तो चलिए हम एलोवेरा ले लेते हैं। जो धनिया लगाया था हमने वो तकरीबन निकल आया हुआ है। तो ये पुदीना जो ख़त्म हो गया था लेकिन दोबारा से आ गया, और इसकी तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही कि ये क्या निकल रहा है। अगर आप लोगों को पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये देखें, इसके साथ ना ये भी निकल आए हैं, ये एलोवेरा के अंदर निकल रहे हैं। ये देखें, एक ये एलोवेरा और दूसरा ये वाला है। तो पता नहीं अब किसमें जो है ना ज़्यादा बेनिफिट होता है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये हरी मिर्चें थी जो ड्राई हो गई हैं, और धनिया हमारा भी थोड़ा थोड़ा आ चुका है, बहुत ही अच्छा। और बीट रूट और स्पिनच जो हमने लगाई थी, मुझे नहीं लगता कि आई थिंक ये निकलेगी। आई डोंट नो, मे बी कि ये इसका वेदर नहीं है तो शायद ये ना निकले। और गुलाब का जो हमने फूल है वो लगा दिया हुए थे। तो चलें हम ले लेते हैं एलोवेरा। तो मेरे ख्याल से मुझे दूसरा वाला लेना चाहिए, ये वाला ले लेते हैं। ये देखें, ये भी जो है ना ख़राब होने शुरू हो गए हैं। तो एक तो मुझे ना ये पौधों में डर ही बहुत लगता है कि कोई कीड़ा वगैरह ना हो, कोई सांप वगैरह ही ना बैठा हो, तो मैं बहुत डर डर के जो है ना लेती हूँ। तो हमने जो है इसको ले लिया काट के। तो चलते हैं घर की तरफ। और ये हमने यहाँ पे लगाए थे रेड रोज़, तो देखते हैं कब तक निकलते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो यहाँ पर जो मैं एलोवेरा उतार के ले आई थी, तो हमने इसको यहाँ से अलग कर लेना। पहले हम इसको ये निकाल लेंगे ताकि हमें ये लगे ना। तो ये जो है ना बहुत ही अच्छा नुस्खा है, तो आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना जिनको भी हेयर्स की प्रॉब्लम है, हेयर फॉल की या ड्राइनेस हो जाती है या उनके हेयर्स की ग्रोथ जो है नहीं हो रही, तो वो इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें। तो बहुत ही अच्छा जो है ना आप लोगों को इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो यहाँ से हम इसको उतार लेंगे। हमने बिल्कुल मतलब साथ साथ रख के ना नाइफ को, तो इसको उतार लेना है। देखें बड़े आराम से ये खुल जाता है। तो यहाँ से ये देखें ऐसे इसको हमने खोल लेना है। इसको हम साइड पे कर लेते हैं, ये देखें। तो यहाँ पे हमने लेनी है लौंग। लौंग जो मेरी पैकेट में ही थी, तो हमें जितनी चाहिए होंगी हम ले लेंगे इसमें से। तो अब हमने जो लौंग है ना, हमने जो पीछे वाली इसकी साइड है, हमने इसको ऐसे लगाते जाना है इसके अंदर, ठीक है। जितना भी हम इसमें लगा सकते हैं ना उतने लगा देंगे, इसके अंदर खड़े करते जाएंगे। मेरे हाथ के साथ ही वापस आ गए कि इस जो है ना मेरी लौंग के अंदर जो है ना ब्लैक पेपर भी ऐड हुआ है। तो चलें कोई नहीं, मेरे ख्याल से थोड़ा सा बच गया था तो मैंने ना इसके अंदर ही डाल दिया। तो वीडियोस जो मैं बना नहीं पा रही क्योंकि मैं किसी और काम में बहुत ज़्यादा बिजी थी और अभी भी हूँ। तो मेरे ख्याल से वीडियोस जो है ना कम ही मैं अपलोड कर सकूँगी क्योंकि इसका टाइम ही नहीं मिल रहा। तो कुछ बनाऊँगी तो ही वीडियो में ऐड करूँगी ना, इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मेरी रूटीन बन जाए। अच्छा तो ये हो गया रेडी। इनको हमने खड़ा करके ही रखना है। ये देखो ये निकल रही है ना इसमें से, आप इसकी साइड चेंज कर लें। मेरे ख्याल से एक तो मेरे हाथ पे जल लग गया हुआ है, वो उसके साथ जो है ना वापिस आ रहे हैं ऐसे। इसको हमने लगा के इसके ऊपर इसको वापिस रख देना है इस तरह से, और इसको हल्का सा हमने दबा देना है, ठीक है। और साथ में हम लेंगे, और यहां पर जो है मैंने ले लिया है कपड़ा, इसको हमने उठाना है इधर कर लेते हैं और कपड़े को यहाँ पे बिछा देते हैं। और कपड़ा जो है मैंने गीला किया हुआ है,
गीला किया हुआ कपड़ा इसके ऊपर मैंने इस तरीके से लपेट देना है। ये देखें, गीला किया हुआ कपड़ा और मैंने इसके ऊपर इसको लपेट दिया इस तरीके से। इस तरीके से आपने इसको लपेट कर तकरीबन 2 से 3 दिन के लिए रख देना, और उसके बाद आपने इसका सारा निकाल के और जेल और जो लौंग होगी, जेल और लौंग को दोनों को आपने ऐड करना है, और उसके बाद आपने ऐड करना है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जितना आप डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। तो उसी के अंदर हम इसको कुक करेंगे, और जब ये अच्छी तरह कुक हो जाएगा तो इसको हम कंटेनर में निकाल के रख देंगे, और फिर इसको हम अपने हेयर्स में अप्लाई कर सकते हैं। तकरीबन 1 हफ्ते के लिए हम इसको रख सकते हैं बना के, और अगर वहाँ पे गर्मी ज़्यादा है जहाँ पे आप हैं तो आप इसको फ्रिज में रखिएगा, और फ्रिज में जम जाएगा, क्योंकि कोकोनट ऑयल जो होता है ना वो जम जाता है। तो आपने उसको निकाल के हैंड्स पे रख के ऐसे रब करना है, तो वो साथ ही जो है ना मेल्ट हो जाएगा। तो फिर आपने इसको अपने हेयर्स में अप्लाई कर लेना, तकरीबन 1 घंटे के लिए आपने लगा के रखना है, और उसके बाद आपने नॉर्मल जो वार्म वाटर होता है उसके साथ आपने इसको वॉश कर लेना है हेयर्स को। तकरीबन हफ्ते में 2 बार आपने इसको अप्लाई करना है, और फिर आप अपने हेयर्स का जो है ना रिजल्ट देखेगा कि कितनी जल्दी ग्रोथ होती है। तो आपने इस रेमेडी को जो है ना जरूर ट्राई करना है, और नेक्स्ट इसका पार्ट जो है ना मैं दोबारा अपलोड करूंगी कि मैंने इसको किस तरह 2 दिन के लिए मैं रख दूंगी अभी इसको, और उसके बाद मैंने क्या करना है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।